दीपिका कहुछि मु कोन करबी मु 13 दिन भीषण वर्षा रे भिजि भिजि दिनेश को द्वार रे बसीछि। दिनेश तुमे टिके मो कथा सुनो। मते तमे एमिति जागा रे आनी ठिया करि देलो जेउठी मो जीवन बर्बाद होइछिबो। पुओ कथा किए बुझिबो? सुनो दिनेश सुनो, वर्षा रे मो बसी मते सर्दी होइ गलाणी, मो हात भी थरुछि, तम बिना मोर केही नाहंती, मु कौन तुमको भल पाई एक कष्ट देखापी तुम कथा भाव मु बहुत कांदुची। तुमर कौन हृदय ना मते तुम पाखक नहीं जाओ और समस्त को कही दियो मु दीपिका को ही भल पाऊँ। देख मुठार बसी मते केते लोक केते कथा कहते तथापि मु हार मानबिनि। मु मो हक पाई एठी जीवन दे देबी। मते मो प्रमीणा माँ प्रेरणा देउछंती, झियो तु जमा व्यस्त होनी, मु तो साथीरे अछि। समाजसेवी प्रमीणा माँ मध्य प्रबल वर्षा रे धारणा रे बसिछंती। एठारे कहि रखुचु समाजसेवी प्रमीणांकु मध्य मिथ्या प्रतारणार शिकार हेबाकु पड़िछि, किंतु समाजसेवी प्रमीणा मध्य मिथ्या प्रतारणा को भूखेप न करी दीपिका को हक देबा पाई लड़े जारी रखिछंती। एहा मध्यरे दीपिका को साहाज्यर हात बढ़ाइछंती ब्रह्मपुर किछि बासिंदा। खोला आकाश तले दीपिका वर्षा रे भिजि धारणा रे बसिथिबा देखि स्थानीय लोकमाने पालटांगी भीषण वर्षारु दीपिका को आश्रा दे तांकर लाघव उपशम करिछंती। किंतु एठी कथा उठुची सतरे कण दीपिका न्याय पाइबे? सतरे कण 70 वर्षर समाजसेवी प्रमीणा माँ जड़े नारी को तार हक देवाई तार चेष्टा सफल होबो?